नमस्कार, मैं उमंग और स्वागत है आपका हिंदी टीवी में। बड़बोले संजय राउत की बोलती बंद हो गई है। जब से राउत के ऊपर ईडी की तलवार लटकी है, तब से उन्होंने पीड़ित बनने का नाटक शुरू कर दिया है। पहले तो उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से सहयोग मांगा और अब राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी है। विक्टिम कार्ड खेल रहे संजय राउत की बौखलाहट को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शिवसेना के नेता और उद्धव ठाकरे के चहेते संजय राउत की हेकड़ी निकल गई है। मीडिया में बने रहने के लिए बेवजह का विवाद पैदा करने वाले राउत ने गुहार लगाई है। अब वे विक्टिम कार्ड खेलने लगे हैं और केंद्र सरकार के ऊपर परेशान करने का आरोप भी लगा रहे हैं। दरअसल संजय राउत ने राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर कहा कि ईडी उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने से इनकार करने के बाद एजेंसी उनके और उनके परिवार के पीछे पड़ गई है। उन्होंने कहा कि ईडी जैसी जांच एजेंसी अपने राजनीतिक मालिक की कठपुतली बन गई है। अधिकारियों ने खुद यह बात मानी है कि उनके बॉस ने मुझे ठिकाने लगाने को कहा है। संजय राउत का कहना है कि उनसे महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा, कुछ लोग मेरे पास आए थे और उद्धव सरकार को गिराने के लिए कह रहे थे। वे राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए मुझे जरिया बनाना चाहते थे। मुझे पता था कि इस बात से इनकार करने पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने मना कर दिया। मुझसे ये भी कहा गया था कि तुम्हारा हाल वही होगा जो पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री का हुआ। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री से उनका मतलब लालू प्रसाद यादव से था। संजय राउत ने लिखा, मुझे ये भी धमकी दी गई थी कि महाराष्ट्र के दो अन्य मंत्री भी पीएमएलए एक्ट के तहत जेल भेज दिए जाएंगे। राज्य के सभी बड़े मंत्री जेल के अंदर होंगे। राउत ने कहा कि उनके परिवार के पास अलीबाग में मुश्किल से 1 एकड़ जमीन है जो कि 17 साल पहले खरीदी गई थी। अब ईडी का कहना है कि जमीन की कीमत से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है और परिवार को ही मेरे खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। राउत ने कहा, जिन लोगों ने साल 2012-13 में मेरे परिवार को जमीन बेची, उनके साथ भी यही हो रहा है। रोज ही जांच एजेंसियां उनके पास फोन करती हैं और जेल भेजने की धमकी देती हैं। ये सभी प्रॉपर्टी कानूनी है और मकान के पेपर में मैंने इनका जिक्र भी किया था। अब तक इस बारे में मुझसे कभी सवाल नहीं किया गया, लेकिन अचानक ईडी के लिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा कैसे बन गया? अब संजय राउत भ्रष्टाचार से निकलने के लिए बहाना बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि राजनीतिक बदले की बात करके वे गुनाहों पर पर्दा डाल देंगे, लेकिन ईडी के पास सबूत है। उनके रिश्तेदार प्रवीण राउत को कस्टडी में ले लिया गया है और अब राउत के जेल जाने की बारी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंदी टीवी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।